रश्मि देसाई ने राजीव अदातिया के सामने खोला उमर और करण की दोस्ती का बड़ा राज। आखिर में क्या कहा है और ऐसा क्यों कहा है? दरअसल यहाँ पर रश्मि देसाई कहती है कि करण कुंद्रा को डर था उमर की दोस्ती खोने का। आखिर में ऐसा रश्मि देसाई ने क्यों कहा है, आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशव एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, उमर रियाज को लेकर जो है घर में आए दिन बातचीत होती रहती है और यहाँ पर राजीव अदातिया और रश्मि देसाई उमर रियाज को याद करते हुए बात करते हैं। दरअसल यहाँ पर जो है रश्मि कहती है कि अगर उमर रियाज होता तो इस घर का जो है पूरा माहौल ही अलग होता और कहीं ना कहीं वो उमर रियाज को काफी ज्यादा मिस करती है। यहाँ पर राजीव अदातिया जो है वो भी कहते हैं कि यार मुझे तो लगता है कि उमर रियाज ही एक ऐसा बंदा था जो काफी ज्यादा समझता था। मैं कभी इस घर में इतना जल्दी नहीं सोया हूँ और अभी जब उमर नहीं है तो मैं बहुत जल्दी सो गया। यहाँ पर रश्मि देसाई भी यही कहती है कि यार उमर रियाज मैं दुख होती थी, कि मैं दुखी होती थी या फिर मैं हंसती थी या फिर मैं मेरा मूड कैसा भी होता था वो हमेशा मुझे जो है काफी अच्छा फील करवाता था और उसकी बात का कभी मुझे बुरा नहीं लगा है। तो यहाँ पर उमर रियाज को काफी ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं ये दोनों, यानी कि राजीव अदातिया और रश्मि देसाई। रश्मि देसाई ये चीजें कहती हैं कि यार मुझे लगता है ना कि करण को डर था उमर रियाज की दोस्ती टूटने का, वो उसको खोना नहीं चाहता था। राजीव अदातिया कहते हैं कि उमर है ही ऐसा, उसका जो उसकी जो वाइब है वो ही ऐसी है कि कोई भी इंसान जो है अगर उसे जान लेगा समझ लेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं करण को लेकर भी ये लोग बातचीत करते हैं और कहते हैं कि क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम था करण को सबसे ज्यादा उमर रियाज का और कहीं ना कहीं उमर रियाज को खोने से करण काफी ज्यादा डरता था। तो ये सारी चीजें जो है रश्मि देसाई कहती है और साथ ही ये भी कहती है कि अब पता नहीं बाहर जाके क्या चीजें होंगी। आई होप जो चीजें हमने घर में चीजें की है यानी कि शेयर केयर किया है वो बाहर भी हो। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है रश्मि देसाई कहती हैं और साथ ही ये भी बताती हैं कि यार उमर रियाज होता तो आज बहुत अच्छा होता और बहुत ही अच्छा लगता मुझे। उमर रियाज को काफी ज्यादा मिस करते हैं, जैसे भी हुआ एविक्शन हुआ होता रहता है, आना जाना लगा रहता है शो में, लेकिन अगर बात करें तो उमर रियाज को इतना ज्यादा मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका एक अलग चार्म था और कहीं ना कहीं घर वालों को भी ऐसे ही लगता है कि कहीं ना कहीं उमर रियाज को निकालना जो था वो गलत था। आपकी क्या रिएक्शन रहा इसको लेकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। क्या आप राजीव अदातिया और रश्मि देसाई की बात से सहमत हैं तो जरूर बताइए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।